स्वागत है बच्चों जीडी चैंप्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट इंग्लिश सेकेंड यूनिट फर्स्ट पोयम रेन। अब देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो ख़त्म होता है, और अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट टू में आपका सबसे पहला पोयम ही क्या है, रेन है। रेन का मतलब क्या होता है, बारिश होता है। और अगर आप देखोगे तो अभी बारिश का सीजन भी चल रहा है। बारिश का मतलब बारिश मानसून जो भी हो गया, आप रेन उसे बोल सकते हो। रेन हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि हमें वहाँ पर भीगने भी मिलते हैं, और ज़्यादा बारिश होती है तो हमें स्कूल की जो छुट्टी रहती है वो तो अलग। तो चलो अब हम क्या करते हैं, रेन सीजन जो है उसे देख लेते हैं, रेन पोयम जो है उसे देख लेते हैं। सॉरी सीजन तो यहाँ पर चल ही रहा है। तो देखो अब पोयम में क्या है, लुक लिसन सिंग एंड टॉक अबाउट द पिक्चर, क्या बोला गया है, देखो सुनो गाओ और जो पिक्चर दी गई है आप उसे देखो। अब देखो अगर आप इधर पिक्चर्स को देखोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, जो एक लड़की है उसने क्या किया है, उसने यहाँ पर अम्ब्रेला लिया है, साथ ही साथ यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, रेन ड्रॉप्स देखने मिल रहा है। वो क्या कर रही है, रेन में इंजॉय कर रही है। वैसे ही रेन में इंजॉय करना तो सबको पसंद होता है। अब देखो यहाँ पर पोयम में क्या दिया गया है, पोयम में बोला गया है द रेन इज फॉलिंग ऑल अराउंड, क्या बोला है, द रेन इज फॉलिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन द फील्ड एंड ट्री, इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हियर एंड ऑन द शिप्स एट सी, क्या बोला है यहाँ पे, जो रेन है रेन कहाँ गिर रही है, फॉलिंग ऑल अराउंड, रेन इज फॉलिंग ऑल अराउंड का मतलब क्या होता है, बारिश जो है वो हर जगह गिर रही है। अगर अभी बारिश हो रही है, अगर आप बाहर देखोगे तो आपको देखने क्या मिलेगा, क्या बारिश एक ही जगह होती है, नहीं एक ही जगह नहीं होती, वो बहुत जितनी भी जगह है वहाँ पर भी होती है। जैसे इस पिक्चर में देखो बारिश कहाँ हो रही है, पूरी जगह पर होती है। क्या क्या हमें ऐसा देखने को मिल रहा है, बारिश जो है वो शिप पर नहीं हो रही है, बारिश जो है वो ट्री पर नहीं हो रही है, नहीं ना बारिश कहाँ हो रही है, हर जगह हो रही है। तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है कि जो बारिश है वो हर जगह गिर रही है, इट फॉल्स ऑन द फील्ड एंड ट्री। फील्ड एंड ट्री का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर फील्ड है जो जमीन दी गई है वो, और ट्री यानी कि पेड़ है, जो यहाँ पर हमें ट्री दी गई है, पेड़ दिया गया है वो उस पर भी गिर रही है। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हियर, वो किस पे रेन कर रही है, अम्ब्रेला। अब देखो जो अम्ब्रेला यानी कि जो छतरी होती है, अम्ब्रेला हम कब लेते हैं, जब बारिश होती है, बारिश में हम भीग ना जाए, बारिश से बचने के लिए हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। तो देखो जो बारिश है वो अम्ब्रेला पर भी यहाँ पर गिर रही है। नेक्स्ट है एंड ऑन द शिप्स एट सी, एंड देन क्या बोला गया है, जो बारिश है वो कहाँ पे भी गिर रही है, जो शिप है, शिप कहाँ पर है, सी में यानी कि समुद्र में, ओशन में, जो सी जो शिप है उस पर भी क्या गिर रही है, रेन गिर रही है। तो ये पोयम में आपने क्या क्या देखा, जो बारिश है वो कहाँ कहाँ पर गिर रही है, हर जगह गिर रही है। तो ये आपका बहुत छोटा सा पोयम था जिसका मतलब क्या है, बारिश हर जगह पर गिरती है, वो फील्ड पर भी गिर रही है और आपके ट्री पर भी गिर रही है, वो शिप एट द ओशन पर भी गिर रही है, एंड द सेम टाइम वो कहाँ पर गिर रही है, आपके अम्ब्रेला पर भी। चलो हम लोग इस जो पोयम है इसे वापस से रीड कर लेते हैं। क्या बोला गया है, द रेन इज फॉलिंग ऑल अराउंड, द रेन इज फॉलिंग All around, it falls on the field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. क्या हो गया, ये आपका पोयम भी हो गया। तो ये पोयम भी हमने देख लिया, और जो इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन था वो भी, एंड साथ ही साथ इस पोयम को हमने रीड भी कर लिया। और जो पिक्चर्स भी देखो, बारिश के टाइम का यहाँ पर आपको पूरा पिक्चर दिया गया, यानी कि यहाँ पर आपको क्लाउड्स दिए गए, डार्क क्लाउड्स होते हैं वो दिए गए यहाँ पर, फिर हमें रेन ड्रॉप्स दिख रहे हैं जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि बारिश हो रही है, फिर रेन ड्रॉप्स हमें हर जगह गिरते हुए दिख रहे हैं, सी शिप पे भी, सी में भी, देन आपके फील्ड पे भी, ट्री पे भी, हर जगह दिख रहे हैं। तो यहाँ से हमने रेन के बारे में देख लिया, रेन का मतलब क्या होता है, बारिश होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर लुक एंड से, यानी कि देखो और बोलो। तो लुक एंड से में सबसे पहला वर्ड क्या है, रेन। रेन का मतलब क्या होता है, बारिश। अब इससे देखो रेन को हम कैसे लिखते हैं, आर ए आई एन, आर ए आई एन क्या होता है, रेन होता है। फॉलिंग का मतलब क्या होता है, गिर रहा था, गिरना। तो फॉलिंग को, फॉलिंग की स्पेलिंग क्या है यहाँ पर, एफ ए डबल एल आई एन जी, एफ ए डबल एल आई एन जी, फॉलिंग। अराउंड का मतलब क्या होता है, जगह। देखो हर जगह, फॉलिंग अराउंड यानी कि नीचे गिर रही है, हर जगह गिर रही है, तो वो अराउंड हो गया। फील्ड का मतलब क्या होता है, जो जमीन हो गई, खेत हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। देन नेक्स्ट है ट्री। ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़, जिसकी स्पेलिंग क्या है, टी आर डबल ई ट्री। नेक्स्ट है यहाँ पर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है, छतरी, छाता जो हम लेते हैं वो। अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या होती है, यू एम बी आर ई डबल एल ए, यू एम बी आर ई डबल एल ए, ये होता है अम्ब्रेला की स्पेलिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर शिप। शिप का मतलब क्या होता है, जो जहाज होती है वो। देखो अगर आपने यहाँ पर देखा होगा पिक्चर में, तो ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं शिप। तो ये हो गई आपकी शिप। शिप की स्पेलिंग क्या होती है, देखो शिप की स्पेलिंग यहाँ पर होती है एस एस एच आई पी। एस एच आई पी क्या होता है, शिप होता है। एंड सी, सी की स्पेलिंग क्या होती है, एस ई ए
तो ये हो गया आपका शिप एंड सीचर। अब जो वर्ड्स हैं हम उन्हें वापस से पढ़ लेते हैं। ये क्या है? रेन, आर ए आई एन। आर ए आई एन क्या होता है? रेन होता है। एफ ए डबल एल आई एन जी, फॉलिंग। ये क्या है? ए आर ओ यू एन डी। ए आर ओ यू एन डी क्या होता है? अराउंड। फिर एफ आई ई एल डी, फिर ट्री, टी आर डबल ई ट्री। ये क्या है? यू एम बी आर ई डबल एल, अम्ब्रेला। शिप, एस एच आई पी शिप, एस ई ए सी। ये क्या हो गया? सी। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? देखो नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, नेम द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर। अब क्या बोला गया आपको? जो यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है, इसमें आप क्या चीज़ें देख पा रहे हो उसे लिखो। देखो अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखने मिल रहा है? क्लाउड्स देखने मिल रहे हैं, रेन देखने को मिल रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की स्पेलिंग तो हमने अभी देखी, देन शिप देखने को मिल रहा है, अपने ट्रीज हो गए, फील्ड देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? क्लाउड्स, अम्ब्रेला, शिप्स, ट्री, रेन एक्सेट्रा। क्या लिखोगे इसका आंसर आप? क्लाउड्स, अम्ब्रेला, शिप, ट्री, रेन एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द रेन फॉल। क्या पूछा गया आपको? रेन कहाँ पर गिरती है? हमने पोएम पे क्या देखा था? जो रेन थी, रेन कहाँ गिर रही थी? ऑल अराउंड, यानी कि वो हर जगह गिर रही थी। वो ट्री पर भी गिर रही थी, वो फील्ड पर भी गिर रही थी, वो शिप पर भी गिर रही थी, एंड ऑफकोर्स हमने फर्स्ट लाइन में देखा था जो रेन है वो हर जगह पर यहाँ पर गिर रही है। तो इसका आप क्या लिखोगे आंसर? द रेन इज फॉलिंग ऑल अराउंड, यानी कि जो रेन है वो हर जगह गिर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी द शिप। क्या पूछा गया आपको? कि जो शिप है, आप शिप को कहाँ देख पा रहे हो? देखो पिक्चर को ध्यान से देखोगे, हमें शिप कहाँ दिख रही है? सी में दिख रही है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? एट सी, यानी कि कहाँ पर? आप उसे सी में देख पा रहे हो। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। आप क्या करो, इसे जल्दी से लिख कर रख लो। तो ये हो गए क्वेश्चन आंसर, और इसी के साथ क्या होता है आपका, ये जो पोयम है वो खत्म होता है। जहाँ पर आपने क्या देखा? रेन के बारे में, रेन के ऊपर जो पोयम थी, रेन कहाँ गिर रही है? रेन जो है वो हर जगह पर गिर रही है, वो शिप पे, ट्री पे, हर जगह गिर रही है। देन हमने क्या देखा? पिक्चर में क्या क्या चीज़ें दी गई थी। नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।